हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 33 में। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन के साथ जहां सिम जोंग को पता चल गया था कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था, जो पता चलते ही वो समझ जाती है कि जोंजी ने उसे झूठ बोला था और यह एहसास होते ही वो रोने लगती है। वहीं मादियोंग भी अपनी याददाश्त भूल गया था और सिम जोंग से ही पूछने लगता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर सिम जोंग उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या किया है और कितने मासूम लोगों को मारा है। मादियोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम जोंग इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो फिर से उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी फिर से पास्ट को देखकर उसके दिल में तेज दर्द हो जाता है और इसका फायदा उठाकर मादियोंग वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक आदमी से टकराता है और वो आदमी उसे देखते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जोंजी को, जो अभी भी अपने फादर को साथ में चलने के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो उसके साथ चलने से मना कर देते हैं और ना चाहते हुए भी उन सभी को वहां से जाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है स्योही पर, जो बिन बुलाए ही गैदरिंग में पहुंच गई थी। कुछ ही देर बाद जिंजू भी वहां पहुंच जाती है और आते ही स्योही को बेइज्जत करना शुरू कर देती है कि वो तो बिन बुलाए ही वहां आ गई है। और नेक्स्ट सीन में ही वो जोंजी की मॉम को भी वहां इनवाइट कर लेती है, जिसे देखते ही स्योही के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है सिम जोंग को, जो वापस घर पहुंचते ही जोंजी के घर में बिताए हर एक पल को याद करने लगती है और मन ही मन कहने लगती है कि अब उसे जोंजी की सलामती की खातिर इस घर से जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है स्योही पर, जो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर जिंजू उसे वहाँ से जाने नहीं देती और फिर सबके सामने जोंजी की मॉम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो सीईओ ह्यू की पहली वाइफ है, जिन्हें घर से निकाल दिया गया था। साथ ही कहती है कि कुछ टाइम पहले ही उन्हें अपना बेटा भी मिल गया है, जिसके बाद वो भी स्योही से कहने लगती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ लिया है और जल्द ही उसे उसके मुकाम तक भी पहुंचा कर रहेंगी। लेकिन उनका ये प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है जब स्योही उन्हें कहती है कि कुछ टाइम पहले ही सीईओ ने सारी प्रॉपर्टी उसके और उसके बेटे के नाम कर दी है, इसलिए अब वो मुकाम जोंजी को मिलने से रहा। साथ ही उन सभी को भी कहकर जाती है कि यहाँ पर बैठे हर एक को वो अच्छे से याद रखेगी। सीन शिफ्ट होता है स्योही पर, जो वहाँ से निकल जाती है और मादियोंग को कॉल करती है, लेकिन कॉल उठाते ही मादियोंग उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और उसे क्यों फोन कर रही है। स्योही भी उसकी बातों से काफी हैरान थी और उसे टाइम से दवाई लेने के लिए कहती है। स्योही उससे पूछने लगती है कि वो इस समय कहाँ है, पर मादियोंग उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और ना ही उसे ये पता कि वो कौन है। वहीं चिहुन भी बड़ी ही जल्दी में घर पहुंचता है और मेड से पूछता है कि क्या हुआ। वो चिहुन को जोंजी और उन दोनों के बारे में बताती है, जिसके तुरंत बाद चिहुन अपने फादर के रूम में जाकर उनसे पूछने लगता है कि क्या कोई उनके रूम में आया था, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सो रहे थे। चिहुन किसी को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि 2 घंटे तक सीसीटीवी बंद थे और ये सुनकर चिहुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जोंजी के घर, जहां तेहो उन्हें बताता है कि जोंजी के फादर की सारी प्रॉपर्टी अब चीहून और उसकी मॉम के नाम हो गई है और ये सब ऑफिशियल हैं। नमदु भी ये जानकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जोंजी बताता है कि ये सब सीओही की ही चाल है, क्योंकि उसके फादर अब ठीक से नहीं देख पाते, यहाँ तक कि वो उसे भी नहीं पहचान पाए। इसके साथ साथ उस सीओही के रूम से मिली मेडिसिन और उस निडल को भी होंग को देकर उनकी जाँच करवाने के लिए कहता है। इसके अलावा जोंजी सीओही के रूम से मिले फ्लावर्स की फोटोज भी दिखाता है, जिसे देखते ही नमदू ने बताता है कि ये फूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और इसे जहर की तरह लोगों पर यूज किया जाता है। ये सुनते ही जोंजी भी होंग को कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द वारंट इशू कराना होगा और होंग भी कहता है कि वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। सीन शिफ्ट होता है स्योही पर, जो मादियोंग के पास पहुंच गई थी, जहां मादियोंग उसे नहीं पहचान पाता, पर जैसे ही स्योही अपना नाम कंगजियोन बताती है, मादियोंग को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं, जिसमें वो और स्योही एक ही अनाथालय में रहा करते थे और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि उसे बचपन से ही जलपरी वाले ख्वाब आते थे। इधर जोंजी भी अपने रूम में आकर सिम जोंग के रूम से तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। जोंजी उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन सिम जोंग उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो हमेशा उसके मन की बात पढ़ लेता है, लेकिन वो उसके मन की कोई बात नहीं सुन पाती और इसी वजह से उसने इतना ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया हुआ था ताकि वो कुछ भी ना सोच पाए। साथ ही वो जोंजी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, वरना वो खुद घर से चली जाएगी। ये सुनते ही जोंजी उसे गले लगाकर पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, पर सिम जोंग उसे वहां से भगा देती है और फिर से तेज म्यूजिक चलाकर सो जाती है।
आती है। अब जैसे ही जॉन जे सोफे पर सोने के लिए बाहर आता है और नमदू को बताता है कि सिमजोंग ने कुछ सोचने के लिए उसे रूम से बाहर भगा दिया है, नमदू उसे डराना शुरू कर देता है कि इसका मतलब है कि सिमजोंग जल्द ही फुर होने वाली है और उससे पूछने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सिमजोंग से कुछ छिपाया हो। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है सियोही को, जो मादेयोंग से पूछती है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मादेयोंग को उन लोगों के अलावा कुछ भी याद नहीं था जिन्हें उसने मारा था। यहाँ तक कि उसे मादेयोंग यानी खुद के बारे में भी याद नहीं था, लेकिन सियोही उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश शुरू कर देती है और उसे फिर से बदला लेने के लिए कहने लगती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां जॉन जी हेडफोन लगाकर सिमजोंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, यहां तक कि वो ब्रेकफास्ट भी हेडफोन्स पहनकर बनाने लगता है। ये देखकर तैहु उससे अपने हेडफोन्स वापस मांगता है, पर जैसे ही सिमजोंग वहां आती है वो फिर से उससे हेडफोन्स छीन लेता है और जरूरत से ज्यादा ही चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर होंग अपने ही सीनियर के साथ वारंट के लिए बहस करने लगता है और बताता है कि सियोही के रूम से ये सब खतरनाक दवाएं मिली हैं। इसके बावजूद भी जब उसका सीनियर उसे कोर्ट जाकर सबूत दिखाने के लिए कहता है, होंग उसे ही कहने लगता है कि अब वो उसे सिखाएंगे। वो क्या इतने सालों से झक मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है होंग पर, जो अभी भी जॉन जे के साथ उसके घर के बाहर जासूसी कर रहा था। वहीं तैहो घर के अंदर की बातें सुन रहा था, जिसमें सियोही अपनी मेड पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी कुछ दवाएं कम थी। जॉन जे भी ये सुनकर होंग को जल्द से जल्द वारंट इशू कराने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सियोही को, जो फिर से वही दवाएं लेकर उसके फादर के पास पहुंच गई थी, लेकिन उसके फादर उसे दवाई वहीं रखने के लिए कहते हैं और बाद में खाने के लिए कहते हैं। सियोही के वहां से जाते ही वो जॉन जे की वही बात याद करने लगते हैं जिसमें उसने कहा था कि कंग जियोन की पूरी फैमिली अंधी होकर खत्म हो गई थी, और ये बात याद करके वो उन दवाइयों को पेपर में फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन ये चीज वहीं पर खड़ी होकर सियोही भी देख लेती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।